अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देयर सराउंडिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं हम डेजर्ट हैबिटेट, एडॉप्टेशन, ग्रासलैंड्स, ट्यूमले, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। तो लेट अस रिकलेक्ट योर आइडियाज एंड रिमेंबर द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द पिकनिक आर ए ट्रिप यू हैव सीन। यू माइट हैव कम अक्रॉस ए रिवर आर ए पॉन्ड, ए फॉरेस्ट आर ए माउंटेन। यू माइट हैव सीन मेनी ट्रीज ऑन द माउंटेन्स, पाइन्स एंड ड्यूडार्स, very different from the ones near your home on the plains. You might have come across river or a pond and seen many objects, animals quite different from your locality, and you would be wonderstruck on seeing the different places, some cold places and some hot places, and animals and plants of various kinds. तो बच्चों के जैसा कि आपने देखा होगा, अभी कभी आप पिकनिक पे या किसी ट्रिप पे गए होंगे तो आपने किसी रिवर को क्रॉस किया होगा, पॉन्ड को, या फॉरेस्ट या माउंटेन पे आप चढ़े होंगे तो आपने वहाँ क्या देखा होगा, बहुत सारे दरख्त देखे होंगे, अलग अलग किस्म के दरख्त पाए जाते हैं, जैसे कि पाइन्स है, द्यूदार्स है, या बहुत डिफरेंट अलग अलग किस्म के होते हैं, या आपके घरों के नज़दीक जो अलग अलग किस्म के दरख्त होते हैं। तो आपने क्या किया होगा कि मैनी ऑब्जेक्ट्स, आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, जैसे कि एनिमल्स जो होते हैं, एक मतलब किसी जैसे कि रिवर के पास या रिवर में जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो खुश्की के एनिमल्स होते हैं ड्राई प्लेसेस पे होते हैं वो अलग होते हैं। तो हर एक जगह की जो चीज़ होती है वो अलग अलग होती है, जैसे कि गर्म जगहों पे जहाँ पे गर्म मौसम होता है तो वहाँ पे अलग किस्म की ये एनिमल्स या प्लांट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जो सर्दी वाले इलाके तो वहाँ डिफरेंट किस्म के जो एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। You would be surprised to know that every part of earth has one of other type of organism. तो ये आपको सरप्राइज होगा कि देख के कि ज़मीन के हर हिस्से का जो हिस्सा होता है, जहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग किस्म के एनिमल्स और ये पाए जाते हैं, क्या एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। You will find living creatures even in the cupboard of your home and learn that tiny living organisms are found even in the opening of volcanoes and the coldest arctic region of the earth. So you conclude that living organisms one locality are entirely different from other locality. आपने देखा होगा कि अगर आपकी आपका कबर्ड जो है अलमारी है तो कभी उसमें भी आपको कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, कोई कीड़ा मकोड़ा जैसे होता है वो आपको मिलेंगे, या कोई बहुत गर्म जगह होती है तो वहाँ पे भी आपको मिलेंगे, या कोई सर्दी वाली जगह होती है तो वहाँ भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मिल जाएंगे। तो और आपने क्या देखा होगा, नोट्स किया होगा कि हर एक जगह पे जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो अलग अलग किस्म के पाए जाते हैं। बट अबाउट द सराउंडिंग इन दीज डिफरेंट रीजन वेयर दे द सेम Pehli and Bujo went on the vacation to many places of interest. One such trip took them to the river Ganga in Rishikesh. They climbed the mountain of the Himalayas where it is very cold. They saw many kinds of trees on these mountains, okas, pines and deodars, very different from the ones near their home on the plains. In yet another trip they travelled into Rajasthan and moved one camel trip. They travelled to Rajasthan and moved to camel trip through the hot desert. They collected different kinds of cactus plant from this trip. Finally, they went on a trip to Puri and visited to the sea beach dotted with the trees. While recollecting all the fun that they had on these trips, a thought struck them: all these places were so different from one another. So some were cold, some were hot, and some dry, and some places so humid. And yet all of them had many organisms, living creatures of various kinds. जैसा कि देखा होगा आप लोगों ने, जब जैसे कि कभी कोई वेकेशंस पे जाता है तो वहाँ पे या कोई ट्रिप होती है, जैसे कि रिवर गंगा ऋषिकेश, तो क्या होता है कि वहाँ पे हिमालयाज़ हैं वहाँ पे, तो वो क्या होता है, वहाँ पे बहुत ठंड पाई जाती है, वहाँ पे बहुत ठंड होती है। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे दरख्त होते हैं, जैसे कि पाइन्स है, द्यूदार है, बहुत अलग अलग किस्म के दरख्त पाए जाते हैं। कहाँ से, जैसे कि जो प्लेन्स होते हैं जहाँ पे हमारे घर होते हैं, तो वहाँ पे वो जो माउंटेंस पे जो दरख्त पाए जाते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, कहाँ से, प्लेन एरिया से। तो इसी तरह आप जब आप ट्रेवल करोगे राजस्थान,
तो आपने वहाँ आप क्या देखोगे वहाँ पे, कैमल देखोगे, और या वहाँ पे आप क्या कलेक्ट करोगे, कैक्टस प्लांट होंगे आप वहाँ पे वो कलेक्ट। फाइनली दे वेंट टू द ट्रिप, और उसके बाद पूरी जब विजिट आप करोगे तो वहाँ पे सी बीच है, ट्रीज हैं अलग किस्म के वहाँ पे, रिकलेक्टिव फन दैट दे हैव, और अलग अलग ट्रिप्स पे अलग अलग चीज़ें इकट्ठे करनी है। एंड थॉट्स टेक दम ऑल दिस प्लेस वेर सो डिफरेंट। और यहाँ पे ऐसा देखा गया जब तो वहाँ पे क्या हो गया कि सब जो चीज़ें थी, मतलब जैसे कि राजस्थान या गंगा ऋषिकेश तो या हिमालयस माउंटेन्स जो है, तो सब चीज़ें एक एक जगह से दूसरी जगह पे जो चीज़ें थी, जो दरख्त थे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, तो सब क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट थे। तो इस तरह से ये हमें पता चलता है कि हर इस ज़मीन का जितना भी हिस्से हैं तो हर एक हिस्से पे अलग अलग लिविंग क्रिएचर्स पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, तो अलग अलग किस्म की चीज़ें हर जगह पे पाई जाती हैं।